नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वागत है। दोस्तों आज हमारा वर्ड का चौथा दिन और देख सकते हो बॉडी वेट। दोस्तों पोल्ट्री के रेट को लेकर बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो पर बना रहना। दोस्तों पता होगा आप लोगों को कि पोल्ट्री का रेट अभी हर जगह बढ़ चुका है, हर स्टेट में, और ये रेट कब तक रहेगा उसको बताऊँगा। दोस्तों काफ़ी दिनों तक रेट डाउन था, जब लगभग एक साल तक जो रेट है वो नीचे चढ़ा ही था, ऊपर नहीं चढ़ रहा था। ऊपर ना चढ़ने का कारण यही है कि दोस्तों जो कंपनी वाले पोल्ट्री पालते हैं उन लोग पूरा जोरों शोरों से पोल्ट्री पाल रहे थे, और कंपनी वाले छोड़ो और बहुत सारे फार्मर ऐसे ऐड हो गए थे जिससे बहुत पोल्ट्री उत्पाद हो रहा था, मतलब खपत से ज़्यादा पोल्ट्री का उत्पाद हो रहा था। इसी चक्कर में पोल्ट्री का जो रेट है वो डाउन होता हो रहा था इतना दिन। चलो अब जाकर जो कितना भी कचरा था वो सब निकल गया, अब जाकर आपको रेट मिल सकता है। अगर आप चीक छोड़ने को सोच रहे हो तो अभी चीक छोड़ दो, इससे बेहतरीन टाइम अभी नहीं हो सकता चीक छोड़ने का। तो मैं भी चीक छोड़ दिया हूँ 4 दिन पहले, आपको पता होगा। तो रेट की बात करें तो अभी ये जो रेट है लगभग 1.5-2 महीने तक चढ़ता ही रहेगा, उसके बाद जाकर डाउन होता होने का चांस है। तो 1.5-2 महीने तक तुम 2 महीना तो कन्फर्म है दोस्तों कि रेट चढ़ा ही जाएगा, क्योंकि फुल गर्मी रहेगा 2 महीने तक। दो जब तक मौसम ना निकल जाए ठंडी का मौसम, बरसात का मौसम, तब तक रेट चढ़ा ही रहेगा अभी, क्योंकि बहुत सारे फार्मर माइनस में जाकर 2-3 लट्स माइनस में जाकर उन लोग क्या कि अभी छोड़ ही दिए लगेगा पोल्ट्री पालना। मेरे साइड का बात कर रहा हूँ, ये आपके साइड का पता नहीं, लेकिन मेरे साइड में बहुत सारे फार्मर क्या किया अभी उन लोग नए इसी साल एंट्री किए थे पोल्ट्री फार्मिंग में, और इसी साल उन लोग का बैक लग गया, मतलब इतना माइनस हो गया शायद अभी छोड़ने लायक नहीं बचे लोग। कई कई फार्मर का तो लापरवाही के कारण लाखों का नुकसान भी हो चुका है, मोर्टेलिटी इतना हो गया था। तो चलो अभी सब निकल गया, छोटा मोटा फार्मर जितना भी था अभी सब बंद कर दिए रहेंगे कुछ दिन तक, बाद में फिर जब रेट बढ़ जाएगा तो लालच में फिर छोड़ सकते हैं। तो अगर आप चीज़ छोड़ना चाह रहे हो तो छोड़ दो अभी, इससे बेहतरीन टाइम कहीं नहीं मिलेगा आपको। चीज़ का रेट भी कम है और पोल्ट्री का रेट आगे जाकर अच्छा खासा रेट मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, रेट से रिलेटेड कुछ बात करना था तो आपको शेयर करा दिया। बाकी नेक्स्ट मैं फीड का वीडियो बनाऊंगा, कितना कॉस्ट आ रहा है अभी के रेट पे फीड बनाने से, तो कल शायद आएगा वो वीडियो, देखना क्या रेट से बढ़ रहा है खुद का फीड बनाने से। और चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।